मेरा नाम श्वेता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं M6 श्योर गेन का वीडियो ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सब जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिना टेक्निकल एनालिसिस किए की गई ट्रेडिंग गैम्बलिंग होती है, और गैम्बलिंग में किस्मत बहुत मैटर करती है। और आप सभी को पता है, किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती। टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्टिंग टूल की ज़रूरत होती है, और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही चार्टिंग टूल की बात करेंगे जिसका नाम है मेटा ट्रेडर 4। MT4 यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत सारी खूबियाँ रखता है। उसमें आप कस्टम इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं, बना सकते हैं, और इसके अलावा आप उसमें गूगल से डाउनलोड करके लाखों इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकांश ट्रेडर्स को MT4 में इंडिकेटर्स इंस्टॉल करने की समस्या का सामना करना पड़ता है। जब हम अपने क्लाइंट्स का MT4 इंस्टॉल करते हैं, तो वो कई बार हमसे पूछते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, VWAP आदि जैसे इंडिकेटर्स के बारे में। गूगल से उनके पसंदीदा इंडिकेटर्स को डाउनलोड करने और उसको उनके MT4 में लगाने में बहुत समय लगता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से गूगल से आसानी से MT4 के सारे इंडिकेटर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके अलावा उनको कैसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। MT4 डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है M6 श्योर गेन की वेबसाइट पे। उसके बाद डाउनलोड के टैब में जाएंगे। डाउनलोड के टैब में आपको MT4 मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का सिंबल दिखाई देगा। ये MT4 है, आपने इसे ओपन कर लेना है। फाइल के टैब में जाके लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट करना है। लॉगिन डिटेल्स डालने के बाद ये लॉगिन हो जाएगा और आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख जाएगा। लॉगिन डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 2 डेज़ का डेमो फ्री होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से तरीक़ों से आप MT4 के इंडिकेटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और MT4 में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप 7 टिक्स हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप इंडिकेटर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, MT4 के कोड बेस में जाके आप इंडिकेटर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप गूगल से इंडिकेटर्स को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस तरह से इंडिकेटर्स को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको जाना है 7 टिक्स की वेबसाइट पर। वहाँ पे आपको जाना है एजुकेशन के टैब में। उसमें आपको एक टैब दिखेगा MT4 इंडिकेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इंडिकेटर्स को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके लिए आपको डालना है TZ और आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको सर्च कर लेंगे और आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसकी इमेज देखना चाहते हैं तो इमेज के आइकन पर क्लिक कर सकते हो। आपको ये व्यू दिख जाएगा कि ये किस तरह से आपकी स्क्रीन शो करेगा MT4 में। तो मैंने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे तरीके से। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं आपको अलग अलग तरीक़ों से MT4 के इंडिकेटर्स को डाउनलोड करना बता देती हूँ। दूसरे तरीके में हम आएंगे MT4 में, और MT4 में टर्मिनल विंडो को ओपन कर लेंगे। टर्मिनल विंडो को ओपन करने के लिए आप Ctrl+T प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है कोड बेस में। वहाँ पे आपको F करके कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे, वो सभी MT4 के इंडिकेटर्स हैं। डबल क्लिक करके आप इंडिकेटर्स को ओपन कर सकते हैं और आपको दिख जाएगा। जिस भी इंडिकेटर पर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसका डाउनलोड करने का, जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो एक वेब खुल जाएगा। उसमें आपको डाउनलोड लिंक और उसकी इमेज मिल जाएगी। आप वहाँ पे देख सकते हो कि वो इंडिकेटर किस तरह की स्क्रीन शो करेगा और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिकेटर पे डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये ईमेल लॉगिन मांगेगा। आपको राइट क्लिक करके न्यू टैब ओपन करना है और वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है इंडिकेटर। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में आप यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हम इसकी इमेज भी देख सकते हैं और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
ये इंडिकेटर यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैंने आपको तीनों तरीके से इंडिकेटर्स को डाउनलोड करना बता दिया है। मैं बताती हूँ कि आपको इसे इन्हें MT4 में कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें इन्हें कॉपी करना होगा, उसके लिए हम इन्हें शो इन फोल्डर करके हम इन्हें राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। ये मैंने इंडिकेटर को कॉपी कर लिया है। MT4 में जाने के बाद आपको जाना है फाइल में, ओपन डेटा फोल्डर, और उसके बाद MQL4 इंडिकेटर्स, और मैं यहाँ पे इस इंडिकेटर को पेस्ट कर दूँगी। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी आप देख सकते हैं आपको इंडिकेटर नेविगेटर विंडो में नहीं दिख रहा होगा। नेविगेटर विंडो में इसे शो करने के लिए आपको इसे करना होगा रिफ्रेश। या तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं या फिर आप इसे क्लोज करके वापस से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे रिफ्रेश कर लिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। राइट क्लिक करके आप इसे अटैच टू चार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ इनपुट्स डालनी है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और ओके करके इंडिकेटर को अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप इंडिकेटर्स को गूगल से, हमारी वेबसाइट से या MT4 के कोड बेस से डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें MT4 में अप्लाई कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।